हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी मेरे न्यू ब्लॉग में। गाइस मैं जो उत्तराखंड है इन खूबसूरत पहाड़ों में नियर गाँव नाम था मेकड़ा। चलो गाइस आज ब्लॉग का शुरुआत करूँ। और गाइस आजकल तो धुंध हटने का नाम ही नहीं ले रही है, कोहरा लगा हुआ है पूरा, सफ़ेद सूर का बिल्कुल नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको आज का मौसम। ये देखो गाइस कैसा मौसम हो रखा है, एकदम कोहरा लगा हुआ है, सफ़ेद चादर। ये देखो पूरे कुछ नहीं दिख रहा कहीं भी नहीं। आजकल मौसम ऐसे ही है भाई पहाड़ों में। और यहाँ देखो जंगलों में कैसी हरियाली छा रखी है। अभी सुबह सुबह मैं आ गया जंगलों की तरफ, तो थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको कि मैं किस लिए आ रखा हूँ जंगलों में। और गाइस मैं आया था जंगल में जड़ी लेने के लिए। ये देखो कैसी जड़ियाँ हैं, ये देनी है भैंस को, भैंस के काम आएंगी ये जड़ी जो है भैंस को देने के काम आएंगी। ये देखो गाइस एक केले का पेड़ लटक चुका है, यहाँ पे केले आ रहे हैं इस पे लेकिन लटक गया है। ये देखो गिरने वाला है नीचे, सपोर्ट की जरूरत है इसको। देखो कितने बड़े होते हैं इसके, हाथी के कान जैसे। ये देखो कितना बड़ा है ये, एक आदमी खाना खा सकता है इसमें आराम से, बहुत बड़ा है ये। और हमारी भैंसे, और भैंसें खड़ी है यहाँ पे मस्त करके। देखो ये है छोटी सी थोरी। अरे यार के नई भैंस अभी बहुत पिपांट करती है भाई ये। इसका नाम है मन्नू, मन्नू इसका नाम है, मन्नू मन्नू नाम है इसका, मन्नू। ये देखो ये देखो गाइज ये है मक्के के पेड़, हमारे यहाँ बोलते हैं जुनहो। अभी नहीं लगे इन पे जुनहो, कुछ टाइम बाद लग जाएंगे। ये देखो हर जगह मक्के के पेड़ दिखेंगे, वो उधर भी है। ये देखो मक्के के पेड़। ये बढ़िया कन्या माँ नहीं भैंस ला रही है, तो कन्ने ला रहे हैं उनका टीका पिठा हो गया। भोबा को कोई नहीं चुनी आप, भोबा अम्मा चुनी आप, तुम है वो माता रानी। अच्छा ना कोनो पंगु को भी लग गया टीका। पंगु तू मत करना, नमस्कार ताई बोलेगी तेरे को, नमस्कार आशीर्वाद दो। मन्नू को भी लग गया टीका, नमस्कार आशीर्वाद है मन्नू। आज इनको पैसा भी मिल गया। अब खाओ वो चीज, ये अब खाओ वो चीज, वो चीज खाओ। पैसा भी मिल गया इनको 10-10 रुपया। मन्नू इधर, और वो है दही। तुम देखने से मिस कर दी। और इनके सर पे लगाया जा रहा तेल। तुम मुड़ कर ले। और इनको दिया जा रहा है दही, और दही के साथ मिलेगी इनको रोटी। कुछ इस तरीके का रिवाज है हमारे वहाँ, जब नई भैंस लाते हैं तो भूमिया को चढ़ाते हैं और माता रानी को भी। और इनको दही मिल चुका है, अभी खाएंगे। और कुछ इस तरीके का रिवाज है हमारे वहाँ पे। और गाय ये फूल देखो, मैंने इनको इतना सारा इकट्ठा कर दिया है, गुलदस्ता जैसे बना दिया मैंने। ये देखो कैसा गुलदस्ता लग रहा है इसका। देखो ये गुलदस्ता बन गया बिल्कुल। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट को, अभी बारिश भी बंद हो रही है
तो वहां से लाना है आटे का कट्टा। तो फटाफट से चलते हैं मार्केट और वहां से लाते हैं आटे का कट्टा। चलो। और गाइस मार्केट से आ चुका हूँ और आटे का कट्टा रख दिया कंधे में, तो इसको फटाफट से ले चलते हैं घर को। आधे रास्ते में आ गया हूँ, आधा रास्ता और जाना है, तो चलो चलते हैं फटाफट घर। और गाइस मेरे हाथ पे ठंगर ठांगर है ठांगर, इसको लगाते हैं घर के आगे छीमी के लगुल के लिए। ये है गाइस साबू, इसको बोलते हैं हमारे भाषा में साबू। तो ये आएगा खड्डा करने का काम, इससे करते हैं गड्ढा, लोहे का है पूरा। और गाइस ठंगरा मैंने घेंट दिया है, ये हो गया लगूल के लिए, छीमी का लगूल जाएगा इसमें पूरा। और ये देखो मैंने कुछ इस तरीके का जुगाड़ कर दिया इस पर, ये बांस का वो लगा दिया इस पर, तो देखते हैं अभी टिक पाता है नहीं टिक पाता है, वरना तो बिल्कुल नीचे आ गया था। हो गया तो ठीक ही है, हो जाएंगे केले, फिर सब्जी के काम तब भी आएंगे, खाने के नहीं भी आएंगे तो। ये ठांग लगा दे मैंने इस पर ठांग। और गाइस दिन में से लगी हुई है बारिश, जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, दिन से लगी हुई है कंटिन्यू बारिश, अभी तक बंद नहीं हुई है। चौमास लगाया भाई। ये हमारे भोले बाबा की नगरी, भोले बाबा का मंदिर। और गाइस बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और मैं गांव में से आ गया हूँ इधर को। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।